Hello friends, in this video we shall learn some questions and answers related to elections. एक बार एक महिला कंटेस्टेंट से पूछा गया कि आपने इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा, तो उस महिला ने जवाब दिया कि जब भी मैं अपने पति से लड़ती हूं मैं जीत जाती हूं, तो मैंने सोचा एक बार इलेक्शन लड़के भी देख लो। दोस्तों, ये एक जोक था। अब हम शुरू करते हैं कुछ सीरियस क्वेश्चंस और आंसर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है और इलेक्शन में इसका क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शंस? द आंसर ऑफ दिस यू विल गेट at the end of the video. Which elections are scheduled in 2019? 2019 में कौन से चुनाव होने हैं? लोकसभा elections are scheduled in 2019. 2019 में लोकसभाओं के चुनाव होने हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ एमपी? एमपी के चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है? एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ एमपी इज 25 इयर्स। एमपी के चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू एक्सरसाइज फ्रेंचाइज? निर्वाचन का अधिकार पाने की न्यूनतम उम्र क्या है? द मिनिमम एज टू एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इज 18 इयर्स कंप्लीट। निर्वाचन का अधिकार पाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू कास्ट द वोट? निर्वाचन करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? द ओनली डॉक्यूमेंट नीडेड इज वोटर आईडी कार्ड। निर्वाचन करने के लिए सिर्फ वोटर्स पहचान पत्र की जरूरत होती है। हाउ डू यू कास्ट द वोट? आप अपना मत किस प्रकार देते हैं? वी कास्ट द वोट थ्रू ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हम ईवीएम मशीन के द्वारा मत अधिकार का प्रयोग करते हैं। वेयर डू यू गो टू कास्ट द वोट? आप मत अधिकार का प्रयोग करने कहां जाते हो? वी गो टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट द वोट। हम मत अधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र जाते हैं। What is the criteria needed to form a government? सरकार बनाने का मानदंड क्या है? There are 543 seats of MP and to form the government it needs majority of MPs, more than 50% to form the government. If any party win 273 MPs, it will form the government. हमारे यहाँ 543 एमपी होते हैं। सरकार बनाने के लिए 50% बहुमत जरूरी है। जिस भी पार्टी के पास
273 एमपीस का बहुमत होता है, वही पार्टी सरकार बनाती है। हु इज योर सिटिंग एमपी? आपका वर्तमान एमपी कौन है? राहुल शेवाले इज आवर सिटिंग एमपी। हमारा वर्तमान एमपी राहुल शेवाले है। In the beginning of the video, I asked you, what is code of conduct? Code of conduct का मतलब क्या होता है? और इसका election में क्या महत्व है? Code of conduct का मतलब होता है, a set of rules outlining the social norms and rules and responsibilities of or proper practice for an individual पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। इसका मतलब है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। फ्रेंड्स, इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। यू गेट ए चांस टू इलेक्ट द राइट पर्सन, राइट कैंडिडेट एंड द राइट पार्टी। आपको मौका मिलता है सही प्रत्याशी, सही उम्मीदवार और सही पार्टी को चुनने का। डोंट वेस्ट योर वोट। अपना वोट व्यर्थ न जाने दें। इलेक्ट द राइट गवर्नमेंट। सही गवर्नमेंट का चुनाव कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब फॉर इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट। For more details, visit my YouTube channel Ikta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.